मंगलवार का दिन हनुमान पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन बजरंग बली की पूजा का विधान है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा की जाए और विशेष बातों का ध्यान रखा जाए तो शुभ फल की प्राप्ति जरूर होती है। ऐसा माना जाता है कई लोगों का मंगल भारी होता है। अगर इस दिन हनुमान जी की आराधना की जाए तो सब मंगल ही मंगल होता है। लेकिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को भूलकर भी दूध से बनी मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए, इससे बजरंगबली रुष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी को बूंदी बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए, ये भगवान को बहुत प्रिय है। मंगलवार के दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस दिन इनका निषेध होता है। ये सभी चीज़ें तामसिक हैं, इनको ग्रहण करने से आपको अपने जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप मंगलवार के दिन बजरंग बली का व्रत रखते हैं तो आपको भूल कर भी इस दिन नमक का सेवन नहीं करना है। मंगलवार के दिन किसी को उधार पर पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दिन दिया गया उधार वापस नहीं आता। तो बहुत सोच समझकर ही इस दिन किसी को पैसा दें, क्योंकि बाद में उसे पैसे को वापस लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन पर्ण संबंध नहीं बनाने चाहिए। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि हनुमान जी अपने पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे थे। मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस दिन यात्रा करनी पड़ भी जाए तो घर से गुड़ खाकर निकलिए। इस दिन शुक्र और शनि से जुड़ा कोई काम नहीं करना चाहिए। इस दिन वस्त्र भी हमें लाल या नारंगी रंग के ही पहनने चाहिए। ध्यान रहे, इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल धारण ना करें। मंगलवार के दिन हमें नाखून नहीं काटने चाहिए और ना ही बाल कटवाने चाहिए, ना ही दाढ़ी बनवानी चाहिए। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। इस दिन ध्यान रखें किसी से वाद विवाद में ना पड़े, क्योंकि मंगल के दिन अगर आप मंगल कार्य नहीं करेंगे तो जीवन भर लड़ाई झगड़ा करके भी पछताना पड़ सकता है।